दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत में कुल कितनी बैंक हैं। आप में से बहुत से लोग बैंक की जनसंख्या जानना चाहते होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इसके बारे में जरूर जानना चाहते होंगे, आखिर इंडिया में सरकारी प्राइवेट बैंक कितनी हैं। आपको बता दें कि बैंक कोई नया नाम नहीं है, बहुत पहले से धनराशि को सुरक्षित करने के लिए बैंक का सहारा लिया जा रहा है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने रुपए को सुरक्षित रखने के साथ ब्याज भी कमा सकते हैं। वर्तमान समय में इंडिया में काफी सरकारी प्राइवेट बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट ओपन करवाने पर उचित ब्याज दर के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक है जिसका नाम आप नोटों पर देख सकते हैं। हर नोट पर देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा होता है। यह एक ऐसा बैंक है जो देश के अन्य बैंकों पर नजर रखता है और समय समय पर बैंकों को गाइडलाइन जारी करता है। इसकी स्थापना ब्रिटेन राज्य के 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान समय में देखें तो भारत में राष्ट्रीयकृत, सार्वजनिक और प्राइवेट को भी मिलाकर 2800 से ऊपर बैंक हैं। हालांकि अगर इसमें अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों को भी जोड़ा जाए तो इनकी कुल संख्या 100 से भी अधिक है। आपको स्क्रीन पर लगभग सभी बैंकों की लिस्ट दिख रही होगी जिससे आप जान सकते हैं कि भारत में कुल सरकारी, राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।